नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जैसे 41 FAD गोला बारूद डिपो में जो दोस्तों आपके ट्रेड्समैन, फायरमैन और अन्य पदों पर जो भर्ती थी वो दोस्तों 11 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली थी। अब दोस्तों उस पर काफ़ी जो अभ्यर्थियों के जो मेरे पास मैसेज कॉमेंट लगातार आ रहे हैं, सर क्या रहा उस भर्ती, मैंने पहले भी वीडियो बनाई लेकिन दोस्तों जब तक मेरे पास जब पुख्ता सबूत कोई नहीं मिल जाता है तब तक मैंने ऐसा कोई जो आपको बताने की नहीं सोची। तो दोस्तों फिलहाल मेरे पास है दो सबूत हैं जो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, किसी ने पहले देख भी लिया होगा लेकिन मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक तारीख को जो नोटिस आया था वो दिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, उस पर भी जाके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए ये एक तारीख का जो नोटिस आया हुआ है और दोस्तों इसमें आप सभी को यहाँ पे बुलाया गया है विद COVID-19, जो आपका COVID-19 से रिलेटेड जो आपको मतलब सुरक्षा आपने करके लेके जानी है वहाँ पे, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इनके आपको बुलाया गया है। ये एक तारीख का नोटिस जो वहाँ से जारी हुआ था वो है। अब उसके बाद में दोस्तों अमर उजाला नाम से जो न्यूज़ आता है, न्यूज़पेपर आता है, उसकी कटिंग भी आप सभी को यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसमें दे रखा है कि आपकी भर्ती रद्द हो चुकी है। दोस्तों पहले वो नोटिस आया था, उसके बाद ये अमर उजाला में ये आपका अखबार की कटिंग आई थी। और दोस्तों काफ़ी अभ्यर्थी जो वहाँ पहुँच गए हैं, जिनका 11 तारीख से था और वो पहले ही पहुँच गए हैं, वो लगातार वहाँ पर जो लाइव वीडियो बनाकर भी वहाँ से दे रहे हैं कि जगह वहां पर पोस्टर लगा रखे हैं कि भर्ती रद्द हो चुकी है। तो दोस्तों अब आपको आखिर में मानना ही पड़ेगा, जो आपकी भर्ती है वो रियल में रद्द हो चुकी है, आपकी भर्ती 11 अक्टूबर से नहीं हो रही है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं आपकी भर्ती कब होगी। तो दोस्तों जैसे ही आगामी कोई निर्देश आएगा, कोई भी भर्ती से लिए अपडेट यहां पे आएगा, तो मैं आप सभी को प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जिस भाई ने एरोप्लेन टिकट बुक कर रखी है, रेलवे टिकट बुक कर रखी है, वो अपनी कैंसिल कर दे और रिफंड अपना प्राप्त कर ले। अगर किसी का रिफंड नहीं हो पा रहा है तो लद्दाख अच्छे घूमने की जगह है, वहाँ पे घूम के जरूर आए और मेरे को भी बताए कैसी जगह है, उसके बाद फिर साथ में चलेंगे घूमने के लिए। चलो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा तथा कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।